The Lonely Princess. शहजादी जूलियट अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वो बहुत अकेली थी क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं थे और ना ही इसकी कोई दोस्त थी। वो अक्सर शाही बाग में बैठ जाती थी, बाग में लगे मुख्तलिफ रंगों के दरख्तों की तारीफ करती थी, परिंदों की चहचहाहट सुनती थी। और सूरज की गर्मी में बैठकर वहां शायरी लिखती थी और खूबसूरत अशार लिखा करती थी। एक दिन शरारती मौसम में बहार की हवा ने कुछ मजा करने का फैसला किया। क्यों ना शहजादी के साथ कुछ शरारत की जाए। वो शहजादी जूलियट की डायरी के सफहात अपने साथ उड़ाती हुई दुनिया के दूसरी तरफ एक और शाही बाग में ले गए। ये सफहात एक ऐसे शहजादे को मिले जिसका कोई दोस्त न था। वो अपने बाग में बैठकर अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए शायरी करता था। इसका नाम शहजादा रॉबर्ट था। शहजादा रॉबर्ट ने प्रिंसेस जूलियट की शायरी पढ़ी और शायरा की तलाश में जाने का फैसला किया। बरसों के सफर के बाद उसे शहजादी जूलियट मिल गई। तन्हा शहजादा रॉबर्ट और तन्हा शहजादी जूलियट एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उन दोनों की शादी हो गई। वो दोबारा फिर कभी तन्हा नहीं हुए।